अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे तमाम प्यारे बहन भाई, जहाँ रहे हैं खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपनी खास दुआओं में हमें भी याद रखें। अच्छा जी, मैं किचन में आ चुकी हूँ और आज पूरा किचन इतना फैला हुआ है मेरा कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो सारा काम वगैरह भी करना है किचन का, और इमरान साहब ने फरमाइश कर दी है छोलों की कि छोले बनाने हैं, तो बनाते हैं मज़ेदार से छोले। और उसके बाद फिर मैं भी इमरान साहब को मार्केट लेके जाऊँगी, आज तो छोड़ूंगी नहीं। रोज़ाना मुझे तसल्ली दे देते हैं कि हाँ आज चलूँगा, आज तो मुझे जाकर ही रहना है। अच्छा जी, छोले उबलने के लिए रख दिए हैं, तो छोले भी बस अब रेडी करने हैं। मैं बनाने जा रही हूँ छोलों की चाट। हस्ब ज़रूरत मैंने इसमें ये छोले ले लिए, और मतलब आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मेरे पास ये तकरीबन दो प्याली हैं। उसके बाद ये एक प्याली मैंने दही लिए, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ आपके सामने। ये देखें, ये हमने ऐड कर दिए। उसके बाद ये मेरे पास ग्रीन चटनी है, हरा धनिया और पुदीने की बनी हुई, और इसमें मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी थी। तो ये दही में मैंने मिक्स करी है, ये ऐड कर दी मैंने। उसके बाद ये मेरे पास ये कुटी हुई लाल मिर्च है, इसमें डाल दिए। उसके बाद ये दो टेबल स्पून ये चाट मसाला है मेरे पास, ये डाल दिया मैंने। ये प्याज है, ये डाल दी। ये हरा धनिया पुदीना है, ये ऐड कर दिया। और ये चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं, दो अदद हैं, ये मैंने डाल दी। और ये हस्बे ज़रूरत टमाटर हैं, मतलब मैंने हाफ टमाटर लिया है, ये डाल दिया। उसके बाद ये मेरे पास ये इमली की मीठी चटनी है, ये मैंने डाल दी इसमें। और लास्ट में ये मेरे पास छोले हैं, वो सॉरी पोटैटो हैं, तो ये मैंने डाल दिए दो से तीन। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये आधा टीस्पून मेरे पास नमक है, ये डाल दिया। अच्छा, प्याज मैंने दो दरमियाने साइज की छोटी डलियां ली थी, अब इसे मिक्स करेंगे। तो ये देखें, ये मैंने अपनी चाट को ये मिक्स कर लिया अच्छे से। अब मैं इसके अंदर ये पापड़ी है, ये क्रश करके ये इसमें डाल दूंगी। मजेदार छोलों की चाट तैयार हो गई है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। खैरियत से तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू जी। अच्छा जी, आज मैंने करी है बेगम साहिबा से एक फरमाइश। बेगम साहिबा से मैंने कहा है कि आप मुझे छोले की चाट बना के दें, जब आप चाट बना देंगी तो मैं आपको कहीं लेके जाऊंगा जहाँ जाना है, उन्होंने मुझे कहा। ठीक है जी, तो चले चलते हैं, देखते हैं बेगम साहिबा ने चाट तैयार करी है या नहीं, दिखाता हूँ मैं आपको। A few moments later. जी तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जा रहे हैं मार्केट। अब कहाँ जाते हैं, कौन सी मार्केट लेकर जाते हैं इमरान मुझे, तो ये तो आप लोगों को वीडियो में ही पता चलेगा। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच करेगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और प्यार से कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। इस वक्त अभी हम रास्ते में हैं और देखते हैं कि इमरान हमें आज कौन सी मार्केट लेकर जाएंगे। जी तो फाइनली हम आ गए हैं चावला मार्केट। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तमाम अबाया कलेक्शन, और आप अपनी मन पसंदीदा कलर का, मन पसंद कपड़े का अबाया स्टिच करवा सकते हैं। और ये शॉप चावला मार्केट पर है। किस नाम से बेटा आपकी ये शॉप? जमान नाम से है ये शॉप यहाँ पर अबाया की। और ये पूरी चावला मार्केट में एक ही है ना? दो, तीन है। तीन है, ठीक है। एक आपकी है और एक का है, देखो पीछे लगी हुई, ठीक है। और ये सारे स्कार्फ हैं ये जो रखे हुए हैं। अच्छा बेटा, ये वाला स्कार्फ दिखाना, ये वाला जो है, ये देखें कितना खूबसूरत कलर है। जो बाजार में आप लोग स्कार्फ वगैरह लेते हैं या देखते हैं स्टिच हुए हुए, तो ये देख लें। और इसका अगर आप लोग अबाया भी बना सकते हैं या नहीं बना सकते? अबाया भी बना सकते हैं, मगर इसका अबाया जो है आपको डबल लेयर में बनाना पड़ेगा, है ना बेटा? जी, और अच्छा मैंने भी यहाँ से लिया है, वो मैं आपको घर पे जाके दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा लिया है। उसके अलावा ये देखें, ये साड़ी और ये अबाये की, तो ये इमरान मेरे साथ ये देखिए, तमाम रेंज जो है ना अबाये की मौजूद है यहाँ पर, प्रिंटेड जितने सारे रखे हुए हैं, और सामने सामने बिल्कुल प्लेन है जितने रखे हैं। जी, प्लेन जो है ये कोट का है, जो लोग कोट के शौकीन हैं वो ये वाले फैब्रिक यूज करते हैं, ये रहे, क्योंकि ये फैब्रिक जो है ये कोट वगैरह में यूज किया जाता है, ये आप देख लें। और जो ज्यादा मोटा कपड़ा अगर आपको लेना है तो वो भी इनके पास मौजूद है। और ये तमाम अबाया कलेक्शन मौजूद है इस वक्त यहाँ पर, और जो मार्केट वगैरह में आजकल चल रहे हैं तो वो ये वाले हैं, ये आप लोग देख सकते हैं।
जो ऊपर जो अपर है वो गोल्डन में और अंदर ब्लैक है, किसी ने ब्लैक ऊपर किया हुआ है अंदर गोल्डन कंट्रास्ट किया हुआ है। तो ये इमरान जा रहे हैं हमारे साथ साथ आगे आगे, और ये पूरी चावला मार्केट है। यहाँ पर ज्यादातर जेंट्स कपड़ा है, बाहर आप लोग देख सकते हैं। क्या दिखाऊं, ये तो ये एक भाई की शॉप है, और यहाँ पर ये प्रिंटेड जेंट्स में ये जेंट्स शर्ट है, और ये चेक वाली है। तो यहाँ पर तमाम स्टाइलिश शर्ट्स मौजूद हैं, ये देख लें। तो भाई आपका नाम बताएंगे? शेरा भाई। सही, और दुकान का एड्रेस भी बता दें। तो ये देखें, ये तमाम यहाँ पर, ये यहाँ पे सॉक्स वगैरह और ये टोपे वगैरह मौजूद हैं। ये भाई पबजी गेम खेलने में मसरूफ है। यहाँ पर ये जैकेट की वैरायटीज भी मौजूद हैं, बहुत ही अच्छी हैं। आप लोग यहाँ पर आए तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ये स्टार्टिंग में ही है। जैसे आप यहाँ से अंदर आएंगे मार्केट में तो ये स्टार्टिंग में ही है सारी। यहाँ पर भी ये शूज़ भी हैं, ये देख लें। 3 hours later. तो शाम की चाय के लिए हम ये लेके आए हैं ब्रेड, मॉर्निंग हम ये इस्तेमाल करते हैं ब्रेड, ठीक है। और ये है मेरे फेवरेट, जैसे कि पता है आप सबको कि मैं अपनी चीज़ लेके आता हूँ, और मैंने ये इरम के लिए भी लिए हैं। आई थिंक इरम अपने लिए आज आसपास, और आजकल ये किशमिश बादाम और ये इस्तेमाल कर रही हैं, उस चीज़ के लिए लेके आई हैं अपनी रेसिपी के लिए। और ये बस ये मेरा फेवरेट है, प्लस ज़ीरा जी। तो मार्केट से हम आ गए हैं और अब हम पी रहे हैं चाय, और साथ में है बागरखानी, बिस्किट्स और डबल रोटी। तो आप लोग भी आ जाएं और हमारे साथ एंजॉय करें, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी शॉपिंग जो कि मैं कर आई हूं। जी तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि नाश्ता करने के बाद, शाम की चाय वगैरह पीने के बाद, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने सावला मार्केट से क्या शॉपिंग की है। वैसे कुछ ज्यादा खास शॉपिंग नहीं की, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर ज्यादातर जेंट्स कपड़ा होता है और लेडीज शॉप्स वगैरह भी हैं, वो थोड़ी कम है। उसके बाद ज्यादातर वहाँ पर जिसे हम कहते हैं लुंडा बाजार, उस तरह की चीजें मिलती हैं, नई भी होती हैं, पुरानी भी होती हैं, मिक्स होती हैं। और गिफ्ट आइटम की वहाँ पर शॉप्स वगैरह खुली हैं, पर्दे और कारपेट की वैरायटी बहुत जबरदस्त है। और चावला मार्केट पड़ेगी नासोबा नंबर 2 पर, तो वहां से सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इमरान का ये वाला सूट। तो माशाल्लाह दे दीजिएगा, अल्लाह पाक मेरे शोर को पहनना नसीब करे, आमीन आमीन। तो ये वाला सूट लिया था इमरान ने, और ये प्योर सूट ही है, बहुत ही इसका प्यारा कपड़ा है। तो बस इमरान ने अपना एक ये सूट लिया है। इसी के साथ मैं अपने आज का ब्लॉग एंड करती हूँ, मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना रखेगा बहुत ज्यादा ख्याल, मुझे रखेगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।